एग्ज़ाम्पल नंबर वन पॉइंट थर्टीन इस एग्ज़ाम्पल में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक पुराना मॉडल है एटम का जिसके सेंटर में एक पॉइंट मास है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस सो एट द सेंटर ऑफ एटम हमारे पास चार्ज कितना आ गया प्लस जेड ई एंड इट इज़ सराउंडेड बाई यूनिफॉर्मली डेंसड नेगेटिव चार्ज जो मेरा न्यूक्लियस है वो अप टू रेडियस कैपिटल आर तक यूनिफॉर्मली डेंसड इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है मतलब घिरा हुआ है सो एज अटम अ होल न्यूट्रल तो उस एग्जामिनर के कहने का क्या मतलब है कि एटम अपने आप में पूरा का पूरा न्यूट्रल है सो so, मेरे पास सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होने के लिए जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव जेड ई सो अब हमें फाइंड क्या करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस अब इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे गॉस लॉ सो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ गॉस लॉस अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ की क्लोज सरफेस इंट्रीगल ऑफ वैक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट प्रोडक्ट विद एलिमेंट्री सरफेस एरिया वैक्टर इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज इन अ बॉडी अपॉन नॉट मैथमेटिकली अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हम इस फार्मूले के यूज करके यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं अगर मैं गॉस लॉ को फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है अगर मैं डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर दूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है क्लोज सरफेस इंट्रीगल ई यहाँ पे मैग्नीट्यूड डेल्टा एस एंड कॉस ठीठा थीठा मीन्स एंगल बिटवीन ई डेल्टा एस तो ये बन गया इज इक्वल टू क्यू अपॉन नॉट कई बार हम डेल्टा एस को डी एस लिख देते हैं कई बुक्स में सो so, है ना कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए ई e फाइंड करने के लिए पहला ठीठा एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा एस एंड चार्ज इनक्लोज क्योंकि अपसेलानोट की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है वो हमें मालूम है सो so, स्टार्ट करते हैं विद हमारा केस फर्स्ट केस फर्स्ट लाइक व्हेन माय स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर मीन्स इन साइड एंड एटम ऐटम के अंदर हम लेट लेक्ट कोई पॉइंट मान लेते हैं पी डैश यहाँ पे हमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सो एटम एज अ स्फर होता है तो हम कह सकते हैं स्फियर इन साइड अ स्फेयर वाला यहाँ पे हम रिलेशन यूज कर लेंगे सो so, जिस पॉइंट पे भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड माइंड करनी है वहाँ पर हम एक गोशिशियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं गोशिशन सरफेस होती क्या है इट इज़ अ इमेजनरी सरफेस और आप कह सकते हैं हाइपोथेटिकल सरफेस विच हेल्प्स अस टू सॉल्व द क्लोज सरफेस इंट्रीगल मीन्स अगर मैं आपको इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताना चाहूँ तो जो मेरे पास इंट्रीगल आता है लाइक देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ जाएगा इंटरीगल से सो so जो क्लोज इंट्रीगल है विद एलिमेंट्री सरफेस एरिया जो मेरे गोशीशन सरफेस है वो इसे सॉल्व करने में हेल्प मिलता है मान लीजिए कोई मेरे पास इरेगुलर सरफेस है लाइक है ना इस तरह की मेरे पास कोई सरफेस है सो so, अब इसका सरफेस एरिया फाइंड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है अगर किसी भी पॉइंट को मैं कंसिडर करूँ कि यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा इसे मैं एक फ्रिकल गोशीशन सर्फेस में इनक्लोज़ कर लूँगा तो यहाँ पर अब मैं क्या कहूँगा मेरी बॉडी ठीक है आ, क्या है स्फीयर क्योंकि हमने उसे स्फेरिकल गोशीशन सरफेस में इनक्लोज़ कर लिया है तो यहाँ पे मैं स्फीयर का सरफेस एरिया यूज़ करके इसे सॉल्व कर दूंगा ठीक है सो दिस इज गोशिशन सर्फेस हमारी पेज क्या होती है इमेजने सर्फेस विच हेल्प टू सॉल्व द क्लोज सर्फेस इंट्रीगल ठीक है ये हमारा क्वेश्चन भी आ जाता है कि वे एग्जाम में ठीक है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गोशिशन सर्फेस आप डिफाइन कीजिए अब स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना क्लोज इंट्रीगल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा एस मीन्स एरिया कॉस ठीठा अब यहाँ पे थीटा देखते हैं क्या है सो so, आप ध्यान से देखिए कि दिस इज माई फेयर तो जो मेरा एरिया वैक्टर होगा ठीक है डेल्टा एस से हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी रेडियली आउटवर्ड होगा और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हमारी रेडियली आउटवर्ड होगी तो इन दोनों में एंगल कितना आ गया थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री सो कॉस ठीठा की वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस जीरो डिग्री सो इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन अपसेला नॉट सो so, चार्ज कितना इंक्लोज है मेरा अप टू डिस्टेंस स्मॉल आर तक हमें ये फाइंड करना है तो अब ध्यान से देखिए एक तो मेरे पास पॉजिटिव जेड डी है ही है और अप टू रेडियस स्मॉल आर तक जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज है मुझे वो भी अब कैलकुलेशन में ऐड करना पड़ेगा सो so, अब ये कैसे फाइंड करते हैं ये देखते हैं सो so, हम क्यू फाइंड हैं क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक तो जो न्यूक्लियस में चार्ज है प्लस जेड डी प्लस चा है ना चार्ज ठीक है हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है ना टिल रेडियस स्मॉल आर तक हमें फाइंड करना है तो ये कैसे फाइंड होगा इसका प्रोसीजर भी हम देखते हैं सो so, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गया था कि सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज से है अप टू रेडियस कैपिटल आर तक ठीक है सो हम यहाँ पे क्या फाइंड करने जा रहे हैं अचार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी हम इसे डिनोट कर देते हैं रो से ये किसके इक्वल होती है इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम सो अब हमें मालूम है जो मेरा चार्ज है वो यूनिफॉर्मली कैपिटल आर तक डिस्ट्रीब्यूटेड है क्लियर सो so, इसे अब मैं सदर सिंप्लीफाई करूं सो माय चार्ज डेंसिटी रो इज़ इक्वल टू नेगेटिव जेड ई जो हमारा चार्ज है ठीक है जी वो पूरे के पूरे एटम में कितना है जेड ई अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि न्यूक्लियस है मेरा वो एक पॉइंट चार्ज है ठीक है तो न्यूक्लियस के डायमेंशंस हम कंसिडर नहीं करेंगे वाइल कैलकुलेशंस ठीक है सो होल का होल एटम ही हम कह सकते हैं कि लाइक like, अगर इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके बनाए तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस सो so ये रहा मेरा डिस्टेंस आर जहाँ पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है होल क्लियर तो हम न्यूक्लियस के डिमेंशन को कंसिडर नहीं करेंगे सो वॉल्यूम ऑफ एटम अब क्या हो गया कैपिटल आर है तो कैपिटल आर में ही यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सो वॉल्यूम ऑफ अ एटम फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब ध्यान रखिए कैपिटल आर क्यूब So, अब हमारे पास चार्ज डेंसिटी आ गई है ठीक है होल एटम की तो हम क्या कह सकते हैं कि चार्ज इनसाइड साइड सरफेस चार्ज, ठीक है तो यहां पे मैं कहता हूं नेगेटिव चार्ज इनसाइड साइड सरफेस की यहां पे हम बात कर रहे हैं कि नेगेटिव चार्ज कितना है गोशिशन सरफेस के बीच में सिर्फ नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं सो so, हमें मालूम है चार्ज डेंसिटी तो सेम रहेगी चार्ज डेंसिटी का मतलब ही होता है कि वो हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू सेम है सो so, चार्ज हम फाइंड कर रहे हैं नेगेटिव जेड ई अप टू स्मॉल आर तक तो इसे मैं ऐसे डिनोट करता हूँ तो इसके भी आप फार्मूला देख सकते हैं आपको चार्ज निकालना है तो आपको चार्ज डेंसिटी इनटू अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी सो so, चार्ज डेंसिटी थ्रू तो आउट सेम रहेगी क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है तो चार्ज एंस्टी मेरे पास आ गई नेगेटिव जी ई अपॉन फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब इनटू वॉल्यूम अब वॉल्यूम मेरे पास क्या आ रहा है स्मॉल आर तक फोर बाय थ्री पाई आर स्मॉल आर क्यूब सो फोर बाय थ्री फोर बाय थ्री फैक्टर कैंसिल पाई से पाई कैंसिल तो मेरे पास नेगेटिव चार्ज माइनसू आर मतलब चार्ज अपटू रेडियस कितना आ रहा है? ZE, जितना टोटल चार्ज था अपॉन आर क्यूब इंटू जेड स्मॉल आर क्यूब तो ये मेरे पास आ जाएगा रेडियस आर तक अब इससे हम टोटल चार्ज क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं क्यू क्या रहा है? पॉजिटिव जेड ई ठीक है प्लस इंटू माइनस माइनस ही हो जाएगा माइनस जी ई इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अगर अब मैं यहां से जेड ई कॉमन निकाल लूं तो मेरे पास क्या बचता है वन माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब तो ये मेरा आ गया चार्ज अब यही हम इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट कर देते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है ठीक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था जीरो आ रहा है सो so, अब मेरे पास सरफेस इंट्रीगल इनटू ई डेल्टा एस कॉस जीरो की वैल्यू हमारे पास क्या रही है जी ई वन माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन नॉट क्योंकि हमारे पास क्यू की वैल्यू सब्सिड होगी अपॉन नॉट अब हमें मालूम है जो मेरा कॉस जीरो डिग्री होता है वो इक्वल होता है वन के क्लियर सो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरी कांस्टेंट है वो इंट्रीगल से बाहर आ जाएगी सो ई क्लोज सरफेस इंट्रीगल विद डेल्टा एस यहां बच गया क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू वन थी वन से मल्टीप्लाई ये वन नहीं आ जाएगा इज इक्वल टू जी ई वन माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब ओवर होल ओवर एप्सिलॉन नॉट तो अब हमें मालूम है हमें एरिया किसका दिखना है स्फीयर का क्योंकि एटम एज होल हम इसे स्फीयर कंसिडर करते हैं सो ई इज इक्वल टू सरफेस एरिया स्फीयर हमें मालूम है कितना होता है फोर पाई कहां तक देखना है स्मॉल आर तक इस गोशिशन सरफेस तक सो आर स्केयर इज इक्वल टू जी ई अपन वन माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब अपॉन होल एप्सिलॉन नॉट तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी ई e की सो so, ई e कम्स आउट टू बी अब देखिए हमने एक टर्म पढ़ी थी कूलम्स ला में वन ओवर फोर पाई अप्सेला नॉट जिसकी वैल्यू फिक्स होती थी हमें याद भी है तो यहाँ पे मेरे पास फोर पाई भी है और यहाँ पर अप्सेला नॉट भी है तो मैं इसे लिख लूंगा वन बाय फोर पाई अप्सेला नॉट सो वन बाय आर स्क्वायर इनटू जी ई वन माइनस आर स्मॉल आर क्यूब बाय कैपिटल आर क्यूब ठीक है सो अब हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो so, मेरे पास ई e, इज इक्वल टू वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ठीक है तो जी ई तो ये मेरा ये यहीं आ गया जी ई अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट वन बाई आर स्केयर मल्टीप्लाई में अगर इसे मैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या रहा है वन बाय आर स्केयर तो सेकेंड टर्म के साथ अगर आर स्केयर के साथ मेरे पास आर क्यूब है तो ऊपर सिर्फ बचेगा आर ठीक है सो अपॉन कैपिटल आर क्यूब सो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर रेडियस आर इड आ ऐटम ठीक है जी सो दिस इज माई आंसर ऑफ आवर केस फर्स्ट वेन माई रेडियस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर और आप कह सकते हैं इन साइड द एटम अब हम सेकेंड पॉइंट देखते हैं अब सेकेंड पॉइंट में मुझे क्या पूछा गया है कि जो मेरा पॉइंट पी पे है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो तो आप पी पॉइंट पे देख सकते हैं कि मेरे पास ये पॉइंट पी है जो वो आउटसाइड द एटम है सो लेट यहाँ पे भी हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं तो so, अब जो पी पॉइंट है वो कहाँ पे है आउटसाइड द एटम ठीक है अब इसे भी अगर मैं आर डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करूँ सो so, यहाँ पे मेरा आर है स्मॉल आर वो ग्रेटर देन हो गया कैपिटल आर से तो सेम फार्मूला अकॉर्डिंग टू गौसला ठीक है सरफेस इंटरीगल ई डेल्टा एस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय अपसेला नॉट बाई यूजिंग गॉस लॉ तो आप यहाँ पे देखिए कि उसने क्या कहा था एटम होल एज अ न्यूट्रल ठीक है सो ये एटम होल एज न्यूट्रल हो गया सो so, यहाँ पे मेरे पास चार्ज है ही नहीं आउटसाइड पॉइंट भी सो क्यो ज़ीरो हो गया अगर क्यों ज़ीरो हो गया तो बाकी सारी टर्म्स इससे जो मल्टीप्लाई होंगी या डिवाइड होंगी वो भी ज़ीरो हो जाएगी तो so, यहाँ पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आ एटम कम्स आउट बी ज़ीरो ठीक है वैन माई आर इज ग्रेटर दैन स्मॉल आर इज ग्रेटर दैन कैपिटल आर सो हम कह सकते हैं कि आउटसाइड द एटम हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आगी ज़ीरो ठीक है सो दिस इज आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट अगर मैं यहाँ किसी सरफेस पर भी निकालना चाहूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन आ सरफेस ऑफ एटम आएगी कितनी तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं लेट दिस डिस्टेंस को भी हम आर से डिनोट कर लेते हैं यहाँ पे सो इन थर्ड केस हम देख लेते हैं जब मेरा आर स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर के इक्वल हो गया सो so, अभी हमने फाइंड किया था फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का हम उसी को यूज करके फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मुझे रिलेशन बता रहा है स्मॉल आर और कैपिटल आर के बीच में ठीक है so, सो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सब्स्यूट कर देते हैं सो जी ई फोर बाई एप सेलानोट वन बाय आर स्क्वायर माइनस आर अब मैं कैपिटल आर की जगह क्या भर दूंगा स्मॉल आर सो यहाँ पे हम भर देंगे स्मॉल आर तो ये बन जाएगा आर क्यूब तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें सो आर आर से ये क्यूब कट कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बच गया स्केयर तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या बचा वन ओवर आर स्केयर तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या बचा वन बाय आर स्केयर सो वन बाय आर स्केयर माइनस वन बाय आर स्केयर तो ये टर्म हो जाएगी ज़ीरो अगर ये जीरो हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे पास कितनी मिल जाएगी जीरो एट द सरफेस सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो आ जाएगी व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर